नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एंटी डायबिटिक टैबलेट जो आती है ग्लाइकाइंड एम के नाम से देखने को मिल जाती है आपको। ये डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मा के एक एथिकल मेडिसिन है जिसकी MRP है लगभग 73 रुपये की। आपको 10 गोली का इस तरीके का सिल्वर पैकिंग में देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है दोस्तों शुगर वाले पेशेंट के लिए। ये दोस्तों टाइप 2 शुगर पेशेंट के लिए उपयोग की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या इसके यूज़ हैं, कैसे ये वर्क करती है और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें 2 इंग्रेडिएंट के साथ ये मेडिसिन बनाई गई है, जिसमें आता है आपको ग्लाइकाजाइड आता है 80 mg का और मेटफॉर्मिन आता है 500 mg में। ये दोस्तों इसमें 2 इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं क्योंकि पहले जो पेशेंट को दी जाती है वो मेटफॉर्मिन वगैरह दी जाती है 500 mg 1000 mg। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो ग्लाइकाजाइड के साथ आपको ये कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाता है। काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है, शेड्यूल H का ड्रग्स है। यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अपनी पूरी जानकारी के साथ ही लेनी चाहिए दोस्तों। टाइप 2 शुगर के लिए उपयोग होती है दोस्तों। टाइप 1 शुगर जो होता है इंसुलिन बेस होता है, जिसमें हम इंसुलिन वगैरह देते हैं पेशेंट को। टाइप 2 शुगर मेडिसिन ही चलती है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वैसे तो आपका शुगर 4 टाइप्स का बताया गया है, GDM हो गया, सेकेंडरी डायबिटीज हो गया। तो बात करें हैं ग्लाइकाजाइड की, तो दोस्तों ये एक सेकेंड जनरेशन का सल्फानाइल यूरिया एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये वर्क कैसे करता है, ये दोस्तों ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। जिसमें मेटफॉर्मिन है वो है दोस्तों बाइगोनाइड ग्रुप से ही संबंधित होता है। ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन ही है दोनों। ये औषधि दोस्तों आंत्र में ग्लूकोज तथा अन्य शुगर के अवशोषण को कम करती है। लीवर के द्वारा जो भी हमारा ग्लूकोज उत्पन्न होता है उसको कम करने में मदद करता है मेटफॉर्मिन। वैसे दोनों ही एंटी डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज की जाती है और काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। जो टाइप 2 शुगर के कॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक केसेस हो सकते हैं, यानी किसी का दादा से, परदादा से, पापा से, पापा से वैसे हो सकता है। एज फैक्टर के हिसाब से हो सकता है, यानी 35 से 40 के बाद भी हो सकता है। मोटापे की वजह से होता है, फैट की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ और कारण भी नहीं होते हैं, यही कारण देखे गए हैं। कई लोग कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर होता है, ऐसा नहीं होता है। कई चीज़ें और भी मायने करती हैं, जैसे फैट वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा करता है ये मायना। इसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है मेडिसिन के अलावा टाइप 2 शुगर का डायबिटीज़ में दोस्तों, इसमें आपको लेना चाहिए डाइट वगैरह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये दोस्तों आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए क्योंकि ये आपके एज फैक्टर के हिसाब से इसकी डाइट वगैरह होती है, इसकी कैलोरी बर्न के हिसाब से आपकी डाइट को दिया जाता है। एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हार्मफुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हल्की जॉगिंग, वॉकिंग। इस बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी, मितली, पेट दर्द, भूख कम होना या फिर जॉइंटिस जैसी बीमारियां, और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकती है। इसके लिए जब भी आप दवाई का सेवन करें तो प्लीज़ ये अल्कोहल के साथ यूज़ ना करिए। स्किन में रैसेज वगैरह हो सकते हैं, खुजली वगैरह। डोजेज की बात करते हैं तो आप इसमें दिन में 1 से 2 बार इसका यूज़ किया जाता है, वही आपके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि डोज को 2 से 3 बार भी किया जा सकता है। प्रिक्यूशन की बात करते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और दोस्तों मेडिसिन के साथ साथ आपको परहेज भी जरूर रखना चाहिए, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट प्रॉपरली लेनी चाहिए जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करे अपनी कैलोरी के हिसाब से, तो वो डाइट आपको लेनी चाहिए। अगर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट सी वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको शुगर के टाइप्स वगैरह होंगे, शुगर के कॉसेज वगैरह होंगे, या फिर छोटी मोटी थोड़े बहुत मेडिसिन भी आपको बता दूंगा। तो ये था कुछ ग्लाइकाइंड एम टैबलेट के बारे में कंप्लीटली जानकारी, जो टाइप 2 शुगर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% उसमें आंसर करता हूँ। तो दोस्तों मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।